डियर स्टूडेंट्स, फाइनली 17वीं बीपीएससी का डेट आ गया। 17 नवंबर को एग्जामिनेशन आयोजित होगा। 2 महीने लगभग आपके पास है, 60 दिन है। बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का सिलेबस नहीं बताता, लेकिन सिलेबस तो समाप्त करना होगा, सिलेबस तो आपको कवर करना होगा। किसी भी एग्जामिनेशन में एक सिलेबस होता है जो बीपीएससी पीटी के सब्जेक्ट्स के रूप में बता देता है, संविधान और राजव्यवस्था पॉलिटी में, लेकिन वो नहीं ये बताता कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, स्रोत, संसद, स्थानीय प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये सब आपको पढ़ना होगा। साइंस में मोशन पढ़ना होगा, हीट पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होगा, नहीं बताता ये सब। ये सब 300 टॉपिक्स में तोड़कर हम सभी आपको लेकर आते हैं, जो कल से एक पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इस 300 टॉपिक्स के लिए टाइम कम है, सिर्फ पढ़ना है, टेबल पर बैठकर सिर्फ पढ़ना है। आपको डेली का एक रूटीन मिलना चाहिए, डेली एक टेस्ट होना चाहिए, कुछ अच्छे पीडीएफ आपको मिलने चाहिए, जिसके लिए कल रात में 9 बजे से पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसका ये काउंसलिंग नंबर है, आप डिटेल्स ले सकते हैं। किताबें सेम है, लेकिन जिनके पास किताबें नहीं है वो किताबों को रखिएगा, मिनिमम बुक्स है। हम लास्ट में सारी किताबों का डिटेल्स डाल देंगे, आप मैच कर लीजिएगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं उन किताबों को रखिए, ताकि हम पेज नंबर के साथ आपका समय बचाएंगे, आप डायरेक्ट जाएंगे चैप्टर्स पर। आप पढ़िए, रात में 9 बजे प्रैक्टिस दीजिए, हमारे कुछ पीडीएफ को रिवाइज कीजिए। 2 महीने में सिर्फ पढ़िए, सूरज की किरण आप तक पहुंचेगी, लेकिन आप उसे नजर उठाकर नहीं देखेंगे। कब दिन होगा, कब रात होगा, इस 60 दिन में भूल जाइए। जो लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, 2 महीने की छुट्टी लीजिए। आयोग ने क्लियर कट आपको बता दिया है कि हम 17 नवंबर को यानी दिवाली और छठ के बाद ये एग्जामिनेशन आयोजित होगा। और अच्छी बात यह है कि पहले यह हल्ला हो रहा था कि 2 अलग अलग पालियों में 2 दिनों में 2 सिटिंग्स में ये एग्जामिनेशन होगा। चूंकि छात्रों की संख्या अधिक होगी, इस बार सीटों की भी संख्या संभवतः अधिक होगी, संभावना थी कि 2 दिन अलग अलग दिनों में एग्जामिनेशन आयोजित होगा, और तब बड़ी समस्या होती, चूंकि दोनों दिनों के क्वेश्चंस के सेट्स अलग होते हैं। लेकिन अब जो घोषणाएं हुई है, जो नोटिस आया है, उससे यह पता चल रहा है कि एग्जामिनेशन आपका एक ही दिन होगा, 17 नवंबर को संभवतः एग्जामिनेशन आयोजित होगा। तो कल से लगिए, जमकर लगिए, पढ़ाई स्टार्ट लीजिए, इधर उधर मत देखिए। क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, डेली 24 घंटे का एक रूटीन आपके पास होना चाहिए कि इस 24 घंटे में हमें मिनिमम कितना पढ़ लेना चाहिए कि एग्जामिनेशन तक हमारा सिलेबस समाप्त हो जाए, और ऐसे बुक से हम पढ़ लें जिससे क्वेश्चंस आते हों, जिससे अच्छा रिवीजन हो जाए। याद रखिए, क्या पढ़ना है इसे ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना है। अब समय इतना ही है कि क्या नहीं पढ़ना है पहले इसका फैसला कीजिए, क्या पढ़ना है ये तो हम आपको बता देंगे कि डेली आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और उस पर डेली रात में 9 बजे 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, कुछ पीडीएफ रहेगा, रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए, जुटे रहिए, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। 2 महीने अब किसी से कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई लड़ाई, कोई झंझट, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। चूंकि अगर SDM बनना है, DSP बनना है, रजिस्ट्रार बनना है, CTO बनना है, एजुकेशन अफसर बनना है, जेलर बनना है, तो बीपीएससी ने आपको वार्न कर दिया है। हमने आपको समय दिया, लेकिन समय का आपने अगर सदुपयोग नहीं किया है, अभी भी जुटिए, अभी भी समय है, अभी इधर उधर देखने का समय नहीं है। मिनिमम बुक्स के साथ मैक्सिमम स्टडीज, मैक्सिमम पढ़ाई, कल से रात 9 बजे से जुट जाइए। ये नंबर है, कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। डिटेल्स क्या लेना है, सीधे ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई में लगिए, अब इधर उधर देखने का समय नहीं है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।